हेलो एवरी वन मैंने अंकिता अग्रवाल तो कैसी है मेरी सी एस फैमिली आई होप आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नाइन्टी डेज की जो स्ट्रैटेजी मैंने अपलोड uh, करी थी वो आप लोगों ने देख ली होगी नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख कर इस वीडियो को देखना क्योंकि वो वीडियो इंपॉर्टेंट है उस वीडियो में जो जो आपको एक्सप्लेन किया है उसकी कॉन्टिन्यूएशन में ही मैं ये सेकेंड पार्ट कह लो या एक अलग टॉपिक है बट आप ज़्यादा रिलेट और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे अगर आप फर्स्ट पार्ट देख के आओगे ठीक है नाउ सबसे पहली जो एक कंडीशन है सिचुएशन है स्टूडेंट्स के माइंड में वो ये है कि वो इस कंफ्यूजन में है कि सिंगल ग्रुप दें बोध ग्रुप दें उन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं समझ सकती हूँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा बट ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं जिससे उनका ही जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए यस yes, डेफिनेटली सोच सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको यही कुछ प्री रिकट्स एसेंशियल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जिससे आप अपना डिसीजन फॉर्म कर सको और जल्द से जल्द डिसीजन ले सको कि आपको दोनों ग्रुप्स में से मतलब एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप्स देने हैं ठीक है ठीके? नाउ ये तो हम डिस्कस करने वाले हैं और जैसे मैंने कहा है कि ये सेकंड पार्ट होने वाला है में होने वाला है तो आपको फर्स्ट पार्ट जरूर देख के आना है फर्स्ट पार्ट मतलब डेज की स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको दो दिन पहले डाली है है ठीक ऑन ऑफ हैप्टेंबर को जो डाली है नाउ कुछ चीजें हैं अगर आप प्री कंडीशन क्या है प्री कंडीशन सबसे पहले है योर शेड्यूल ठीक है आपका खुद का शेड्यूल कैसा है आप अपने आप से पूछो क्या आप एट टू टेन आवर्स पढ़ाई के लिए निकाल पा रहे हो ठीक है अगर आप एट टू टेन आवर्स बहुत आराम से पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो फॉर नेक्स्ट नाइनटी डेज तो गो फॉर बोथ ग्रुप्स वेरी क्लियर एंड वेरी सॉर्डेड ठीक है बिकॉज एवरीथिंग जो भी आप करोगे आपको इस तरीके से करनी है कि आप एग्जाम दे सको और एग्जाम में पास हो सको सिर्फ कहने के लिए आपको एग्जाम्स नहीं देने हैं राइट तो मैं आपको यही बोलूंगी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कोई दो ग्रुप दे रहा है आ, मतलब एक ग्रुप दे रहा है आप उसको देख के फॉलो मत करो आप खुद से पूछो आस्क योर सेल्फ कि क्या आप अगले नाइनटी डेज के लिए एट टू टेन आवर्स ऑन डेली बेसिस डिवोट कर सकते हो इफ उसका आंसर यस yes आता है देन ओनली गो फॉर बोथ ग्रुप्स बात खत्म वरना आपको क्या करना है आपको सिंगल के लिए देना है बिकॉज सिंगल के लिए जितने आर्ट्स दो कम हैं बट आइडली आप फाइव टू सिक्स आवर्स अगर डेली दे रहे हो सिक्स आवर्स दे रहे हो और दो दो घंटे के स्लॉट में पढ़ रहे हो इनफ है ठीक है तो ये एक प्री कंडीशन है और शायद ये ही एक सोल कंडीशन है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको एक ग्रुप के लिए जाना चाहिए या फिर दो ग्रुप लिए जाना चाहिए ठीक है क्योंकि तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि, कि किस तरीके से देना है सेकंड थिंग जो बच्चे न्यू सिलेबस में हैं ठीक है न्यू सिलेबस में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन uh, है कि, कि किस तरीके से देना है क्या करें तो आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉड्यूल के लिए जाओ नो मैटर वर्ड आपके पास क्योंकि सिलेबस नया है मटीरियल है सब समझने का है और आपको प्री टेस्ट वगैरह भी अगर आपके नहीं है आपको वो भी देने हैं तो आपके पास जो टाइम है उसमें आप सिंगल ग्रुप दो और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो राइट तो आई थिंक यहाँ पे तो आपका ये वाला कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा ये डिलेमा खत्म हो गई होगी कि, कि आपको सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना अगर ये बात समझ में आई तो प्लीज हिट द लाइक बटन ठीक है अभी की अभी करो ना सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम्स स्टडी आपको मस्ट स्टडी का मतलब यहाँ पे ये स्टडी मटेरियल ऐसा क्या चीज है जो आपको देखनी ही देखनी है देखनी मतलब वॉच करनी है वीडियोस देखो हमें पता है हमारा आईसीएस का जो स्टडी मटेरियल है वो तो हमें करना ही करना है नो मैटर व्हाट स्टडी मटेरियल मतलब स्टडी कंटेंट जो है आपका चाहे आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हो चाहे अभी अभी पॉज करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ मैं जो बोल रही हूँ समझ पा रहे हो आपको किस चीज की प्रैक्टिस करनी है कुछ बच्चे बोलेंगे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है टेस्ट है? No देने वो मैं खुद बोलती हूँ बट उसके अलावा क्या कुछ ऐसा है जिस प्रैक्टिस करनी आपको इंपॉर्टेंट है बिफोर योर एग्जाम्स अगर किसी बच्चे ने कमेंट में लिखा है ड्राफ्टिंग, ठीक है तो वो बच्चा उस बच्चे को पता है कि अप्रोच क्या रखनी है और क्या हमें स्टडी में अपना इंक्लूड करना है क्या इंक्लूड नहीं करना है यस yes, ड्राफ्टिंग आपको अपने स्टडी पैटर्न में स्टडी टाइमिंग में आपको इंक्लूड करनी है ऑन डेली बेसिस ठीक है नौ ड्राफ्टिंग में आप लोगों को क्यों बोल रही हूँ कि ड्राफ्टिंग इम्पोर्टेंट है ड्राफ्टिंग में आप क्या करते हो बेसिकली बोर्ड मीटिंग एंड जर्नल मीटिंग के नोटिस रेजोल्यूशन एंड मिनट्स ड्राफ्ट करना सीखो ठीक है और सेम आप यहाँ पे अप्लाई करो देखो जब आप इसकी ड्राफ्टिंग करोगे तो ये आपको एग्जाम्स नहीं जो तो आपका प्रैक्टिकल सिनेरियो uh, है जो आपकी ट्रेनिंग है या जब आप सीएस बन जाओगे उसमें भी आपको पूरी पूरी हेल्प करेगी साथ ही में जो आपके कॉन्सेप्ट आपका कंपनी लॉ के चैप्टर्स हैं पार्ट है वो आपका रिवाइज होगा आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ जो आपके ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कंपनी लॉ के वो आपके बाय यू नो बाय हार्ट हो जाएंगे टिप्स भी हो जाएंगे प्रैक्टिस में आपको आंसर राइटिंग मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको ड्राफ्टिंग का भी पूरा करना है अब मैम हमें ड्राफ्टिंग हम कैसे सीख पाएंगे तो बेटा जो ड्राफ्टिंग है ना उसकी प्ले जो है आपको मेरे मेरे चैनल चैनल मिल मिल जाएगी जाएगी ठीक है मेरे पर मिल जाएगी आपको ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग सीरीज ट्वेंटी थ्री करके ठीक है ये मैंने लास्ट ईयर शूट करी थी बट अपडेटेड है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है ना रिक्वायरमेंट है चेंजेस की मैंने इसको इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ और जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है जो चीज़ें हम करते हैं विद एक्चुअल ड्राफ्ट ये मैंने आपको पूरा का पूरा अपनी वीडियोस में समझाया हुआ है प्ले आप जाके चेकआउट कर सकते हो आपको मेरे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है तो ये चीज जो है ना एकदम से एंड मोमेंट पे नहीं होती है सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना होता है तो आपको क्या करना है आपको ये आज से ही अपने जो कंपनी लॉ जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें इंडल्ज करना है इनकॉर्पोरेट कर देना है ठीक है तो बेसिकली मेरा जो एजेंडा था इस वीडियो का सिर्फ ये था कि सबसे पहले तो आपका कंफ्यूजन दूर हो कि आपको सिंगल देना है या बोध uh, ग्रुप्स देने हैं ठीक है एंड सेकेंड आप अपनी प्रैक्टिस में ये जरूर डालो जरूर 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 डालो बिकॉज होता क्या है बच्चों को ना अभी भी स्कूल की तरह पूरी आदत पड़ी हुई है मॉक टेस्ट देने हैं तो मैम चैप्टर वाइज ले लो यूनिट वाइज ले लो और अगर आपको uh, ऐसे कभी भी यार प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी नहीं होती है

तो आपको उसकी तैयारी भी वैसे ही रखनी है तो स्टॉप आस्किंग कि मैम चैप्टर वाइज वाइज ले ले लो टेस्ट, ले लो टेस्ट टेस्ट यूनिट मॉक टेस्ट नहीं आपको फुल सिलेबस का टेस्ट देना है सेकेंडली आपको अपनी तैयारी ऐसे रखनी है कि एंड मोमेंट पे अरे ये चैप्टर तो छूट गया वो चैप्टर तो छूट गया ऐसे काम नहीं चलता है ठीक है क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी पढ़ते पढ़ते लोगे जितना अवेयर रहोगे उतना आपको हेल्प होगी आपकी जॉब में आपकी इंटर्नशिप राइट right? तो मेक श्योर sure कि आप ये वाली वीडियो तो आपने देखी ही देखी अगर आप एंड तक आए हो आप शेयर जरूर करना कमेंट करना अगर कोई भी डाउट है तो ठीक है और मैं हमेशा अपनी वीडियो में नंबर देती हूँ वैसे तो आप मेरा नंबर ले सकते हो नाइन फाइव सिक्स जीरो नाइन वन टू थ्री जीरो टू ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करोगे कॉल नहीं करोगे अगर आपको कोई भी डाउट है साथ ही में ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ठीक है टेलीग्राम चैनल पे जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होंगी या जो भी हाँ वहाँ पर मैंने स्कैनर्स के लिंक भेजे हुए हैं न्यू सिलेबस के लिंक्स आ, सारे के सारे मैंने वहाँ फॉरवर्ड करे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे बट वहाँ पे भी आपको रेलिवेंट जो है पी या नोट्स जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम तो मेक श्योर कि आप उसको जाकर ज्वाइन करो ठीक है तो ऑल द वेरी बेस्ट इफ इन केस यू हैव स्टिल एनी डाउट आपको नंबर दिया हुआ है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते ठीक है तो बाय एंड टेक केयर